तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, अगर आप वाकई में घंटे का $25 से लेकर $30 तक कमाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। $25 से $30 आप किस तरीके से कमा सकते हो घंटे का, तो उसके लिए मैं आपको बताता चलूं कि एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर बहुत सारी वैसे तो जॉब्स अवेलेबल हैं, लेकिन मैं आपको रिसर्च वर्क के हवाले से बात करूंगा, वही चीज़ आपको स्क्रीन पर जाकर भी समझाऊंगा। असल में रिसर्च वर्क के साथ आप काम करेंगे, रिसर्च वर्क का आपको काम मिलेगा। सिंपल सी मैं आपको आसानी के साथ बताता हूँ कि रिसर्च वर्क का आपको काम मिलेगा प्लेटफॉर्म के ऊपर। अब ये डिपेंड करता है आपकी मेहनत के ऊपर, यार आप कितनी मेहनत कर सकते हो। अगर आप अच्छी खासी मेहनत कर सकते हो तो आप घंटे का कमा सकते हो यार $25-$30। लेकिन अगर आप सही तरीके से गाइडेंस लो तो मैं आपको इसी वजह से अभी एक प्लेटफॉर्म को दिखाऊंगा। लेकिन उस प्लेटफॉर्म को दिखाने से पहले जो सबसे पहला काम है वो ये है कि हम उसका स्कैम एडवाइजर पे स्कोर चेक करेंगे, ट्रस्ट स्कोर हम पहले चेक करेंगे। और उसके ऊपर बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल हैं दोस्तों, तो बहुत सारे दोस्त जो है ना वो राइटिंग का भी काम करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट यानी जॉब्स का काम करते हैं, वो कहते हैं यार ऑनलाइन जॉब्स हम कर लें। तो उसी में मतलब आपको वो चीज़ भी समझा दूंगा, तो उनके भी ये फायदे की वीडियो है। और जो स्पेशली मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वो है किस चीज़ के लिए, रिसर्च वर्क के लिए। अच्छा, वो रिसर्च वर्क आप सोचेंगे कि यार बड़ा कोई मुश्किल सा काम होगा, नहीं यार मैं आपको भी स्क्रीन पर जाकर समझाने वाला हूँ ईच एंड एवरीथिंग। और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अकाउंट किस तरीके से बनाना है, काम किस तरीके से करना है, ये सब कुछ आपको अभी स्क्रीन पर जाकर बताऊंगा। अब बहुत सारे लोगों को ना यार एक चीज होती है कि पेमेंट मेथड के हवाले से। यार दोस्तों, पहले ना सबसे पहले आप देखा करें काम, ठीक है, वेबसाइट देखा करें ऑथेंटिक है कि नहीं, वहां पर काम है कि नहीं, ठीक है, काम मिलना चाहिए। तो विथड्रॉवल जो होता है ना वो हो जाता है। तो इस वेबसाइट का जो विथड्रॉवल है वो बैंक ट्रांसफर भी है, पेनीर भी है, ठीक है, यानी कि वो अगर आप चाहें तो पाकिस्तान से जितने भी हैं तो वो जैस कैश इजी पैसा से भी पैसे को निकाल सकते हैं। तो पेमेंट मेथड बात की चीज़ है यार, पहले नंबर की चीज़ होती है हमेशा काम, उसका काम का होना, ऑथेंटिक होना, और उस जो काम आप कर रहे हैं उसको सीखना जरूरी है पहले, ठीक है, फिर बाद की बातें होती हैं विड्रॉवल की। तो हमेशा पहले ये चीज़ देखा करें कि प्लेटफॉर्म ओरिजिनल हो, ठीक है, वहाँ पर जो आप काम कर रहे हैं उसका आपको पता हो, उसके बाद की बात है। तो अभी दोस्तों हम बिल्कुल भी टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे और चलेंगे सीधा स्क्रीन की तरफ। ओके, तो दोस्तों इस वक्त हम स्क्रीन पे आ चुके हैं। स्क्रीन पे आने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाउ टू ग्रो हेयर, ठीक है, ये मैंने गूगल के ऊपर लिखा है। ये रिसर्च वर्क का काम आप कैसे करोगे मैं बड़ा सिंपल तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। देखो मिसाल के तौर पर हमारे पास टॉपिक है हाउ टू ग्रो हेयर, हमने हमारी रिसर्च इसके ऊपर होनी है कि यार हेयर जो बाल होते हैं उनको कैसे ग्रो करें, यानी कि ठीक है। अब हमने यहाँ पर इस पर एक छोटा सा कीवर्ड डाला है और यहाँ पर हम नीचे आएंगे, यहाँ पर बहुत सारी वेबसाइट्स आएंगे आप उसको भी देख सकते हो, लेकिन मैं मज़ीद नीचे आऊँगा। तो यहाँ पर देखो हमें और मज़ीद यानी कि हमें कीवर्ड्स मिल रहे हैं और टॉपिक्स मिल रहे हैं, जैसे कि हाउ टू ग्रो योर हेयर फास्टर, ठीक है, फिर उसके बाद हाउ टू ग्रो हेयर फास्टर, और फिर उसके बाद एंड थिकर, फिर उसके बाद हाउ टू ग्रो हेयर फास्टर मैन, फिर उसके बाद इस तरीके से, यानी कि ये प्रॉपरली आपको सारा का सारा मजीद डाटा मिल रहा है कि आपको मजीद समझ आ रही है कि यार हम मुझे किस तरीके से इसके ऊपर रिसर्च करनी है। हाउ टू ग्रो हेयर फास्टर इन 5 डेज, ठीक है। अगर मैं फॉर एग्जांपल इनमें से किसी एक को क्लिक कर दूं, जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, तो उसके बाद क्या होगा दोस्तों, मजीद हमें एक पता लगा कि यार हाउ टू ग्रो हेयर फास्टर के ऊपर भी, यानी कि इन 5 डेज के ऊपर भी हमें क्या कहते हैं आर्टिकल मिलेंगे और बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि अब जिस तरह ये वाला आर्टिकल है, ठीक है, ये वेबसाइट है, फिर उसके बाद ये वेबसाइट है, यहाँ पे तमाम चीज़ें आपको ना इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी कि ये किस तरीके से आपने ग्रो करना है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और ये वाला अगर मैं कोई वेबसाइट यहाँ पर देखता हूँ, तो मैं ये देखता हूँ वेबसाइट, जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ पर अब ये वेबसाइट के अंदर कॉन्टेंट है जिसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन है कि यार ये बालों को कैसे ग्रो किया जाता है, तो इससे रिलेटेड हमारे पास बहुत सारा कॉन्टेंट है। तो अभी हम क्या करेंगे दोस्तों कि सिंपल थोड़े से कंटेंट को अगर हम यहाँ से देखते हैं, हमें आइडिया मिल जाता है कि यार बालों को इस तरह से करते हैं, तो हम यहाँ से मतलब कुछ ना कुछ समझ लेते हैं कि यार यहाँ पर ना इस तरीके से हमें समझ आ रही है कि यार वेबसाइट के ऊपर इस तरीके से ये इन्फॉर्मेशन है। लेकिन हम वापस आते हैं, ठीक है, और आने के बाद जैसे कि हमने यहाँ पर सर्च किया था पीपल ऑल्सो सर्च फॉर, अब यहाँ पर लोग ये भी सर्च करें हाउ टू ग्रो हेयर फास्टर नेचुरली इन अ वीक। तो अगर हम खाली इस टाइटल को ले लेते हैं हाउ टू ग्रो हेयर फास्टर नेचुरली इन अ वीक वाला, तो हम इसको सबसे पहले सिलेक्ट कर लेते हैं। अब जैसे कि मैं दोस्तों मेटा एआई पे आया हूँ, मेटा एआई पे आने के बाद मैं लिखा हाउ टू ग्रो हेयर फास्टर नेचुरली इन अ वीक, और इसने यहाँ पर हमें मुकम्मल देना शुरू कर दिया कि भाई ये इस तरीके से ये करो, तो फिर इस तरीके से ये तो इस तरीके से, यानी कि जैसे यार वो होता है कि आपको बताया जाता है कि यार के मतलब इस तरीके से हो सकते हैं। लेकिन हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर सिंपल सा काम क्या करेंगे कि हम कहेंगे इसको फिर आगे कि इसको 2000 वर्ड्स में कर दे। तो यहाँ पर मैंने इसको कमांड दी है 2000 वर्ड्स की, अब ये क्या करेगा इसको 2000 वर्ड्स में लिखेगा, ठीक है।
आप इससे ज्यादा भी कर सकते हो, ठीक। अब क्योंकि उसकी वजह ये है कि अगर आप इसको ज्यादा करते हो तो हमने एंड में करना क्या, उसके बाद हमने जैसे कि ये हमारे पास सारा का सारा डाटा अगर आता है तो फिर उसके बाद हम इसके बाद इसको लिखते हैं कंक्लूजन, ठीक है, कंक्लूजन लिखेंगे हम इस पे यहाँ पे। तो यहाँ पर मैंने इसको कंक्लूजन लिखा, ये देखें, ये कंक्लूजन का मैंने इसको दिया मतलब इसको कमांड दी और इसने आगे हमें कंक्लूजन भी दे दिया। अब हमारे पास ये सारा का सारा मतलब हमें समझ आ गई कि यार रिसर्च इस तरीके से करनी है और हमारे पास सारी चीजें आ गई। अब हमें काम किस तरीके से करना है, अब हम इसको क्या करेंगे, सिंपल अपने डॉक्यूमेंट में यानी कि अपने वर्ड पैड में हम इसको सेव करते हैं, ठीक है। उसके बाद सेव करने के बाद हमें काम किस तरीके से करना है, किस तरीके से, वो कौन सी वेबसाइट है, उसका ट्रस्ट स्कोर कितना है, ये सब कुछ आपको दिखाता हूँ। अब दोस्तों ये वाली वेबसाइट है जिसका नाम बेसिकली सिंपली हाइड है और इसका जो ट्रस्ट स्कोर है वो 100/100 है। अब हम चलते हैं वेबसाइट की तरफ। इस तरीके से दोस्तों आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी सिंपली हाइड की और यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पर आप क्लिक करेंगे। क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आ जाएगी कि भाई आपको किस तरीके से यहाँ पे अकाउंट बनाना है, यानी गूगल के साथ बनाना है, एप्पल के साथ। तो आप गूगल के साथ यहाँ पे सिंपल अपना अकाउंट बना सकते हो, वेरी इजी, ठीक है। ये इंडीड के साथ बेसिकली आपका अकाउंट बनता है, तो वो आपने सिर्फ अपना अकाउंट फिल करना है, सिर्फ फॉर्म फिल करना है, आपका अकाउंट इंडीड के ऊपर यानी सिंपलीफाइड के ऊपर बन जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैं वापस आता हूँ, वापस आने के बाद यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ रिमोट जॉब्स, यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पर देखो रिमोट जॉब से रिलेटेड काफी सारी जॉब यहाँ पर नजर आ रही है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर रिसर्च वर्क की जॉब लिखता हूँ, अब दोस्तों यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो रिसर्च वर्क के हवाले से $28, ठीक है जी। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो $100 भी और का है, $40 भी और का है, ठीक है। इसी तरह से $41 भी है, तो यानी कि कम अज कम भी $25 हैं और ज्यादा से ज्यादा भी जिस तरह मैंने बताया था कि आप 30 से भी ऊपर यार बहुत अच्छी खासी अर्निंग यहाँ पे कर सकते हो। अब दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे पास पेज खुल गया है, एड योर कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ठीक है। जब आप अपना अकाउंट बना लेंगे उसके बाद भी आप इसी तरीके से फिल हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपका यानी कि ईमेल आ जाता है, फिर सिटी स्टेट ऑप्शनल है और फोन नंबर भी ऑप्शनल है। इसके बाद दोस्तों ये हमें कहता है रिज्यूमे का, ठीक है, एड ए रिज्यूमे फॉर एम्प्लॉयर, मैंने ये अपलोड की हुई है रिज्यूमे, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए, ये आपने किस तरीके से बनानी है मैं आपको समझा देता हूँ। देखें आपने आना है कैनवा पे, कैनवा पे आके आपने ऊपर लिखना है सीवी। सीवी के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, आप अपनी सीवी क्रिएट कर सकते हैं कोई भी, उसके अंदर अपनी इन्फॉर्मेशन मतलब तास्ते अपने वर्क के हवाले से सीवी बना सकते हैं। बट बहुत ही सिंपल सा काम है, आप यूट्यूब पर भी वीडियोज देख सकते हो जो कि सीवी बनाने के हवाले से होती है कि कैनवा के साथ कैसे सीवी बनाई जाती है, आप नॉर्मली अपनी सीवी बना लेंगे, ठीक है। अब हम वापस आते हैं अपने उसकी तरफ, काम की तरफ। तो जैसे ही हम यहाँ पर अपना रिज्यूमे यानी सीवी अपलोड कर देंगे उसके बाद हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद एंटर पास जॉब दैट शोज रेलिवेंट एक्सपीरियंस, अगर आपके पास कोई मतलब पास जॉब आपने की हुई है इस टॉपिक से रिलेटेड, देखें वो डिपेंड करता है ना कि आपने किस टॉपिक को सिलेक्ट किया है। अगर आपका उसी टॉपिक से रिलेटेड पहले एक्सपीरियंस था तो फिर आप ऑप्शनल है कि यानी कि यहाँ पर अपना जॉब टाइटल लिख सकते हैं, ये ऑप्शनल है, ठीक है, ये देखें ये ऑप्शनल है। अब हम आगे कर देते हैं इसको कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद ये कहते हैं आंसर दिस क्वेश्चन फ्रॉम द एम्प्लॉयर। अब यहाँ पर ये कहता है कि भाई कोई आंसर मतलब जो आपके बेसिकली जो अगर आपका एक्सपीरियंस होगा उससे रिलेटेड आप यहाँ पे करेंगे उस जॉब से रिलेटेड, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों ये हमें हमारी डिटेल सारी दे रहा है, ठीक है जी। उसके बाद फिर ये कहता है कि भाई उसके बाद ये कहता है सबमिट योर एप्लीकेशन, ठीक है। इस तरीके से आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी जॉब के लिए। इस तरीके से आप रिसर्च वर्क का काम कर सकते हैं जो कि बहुत ही आसान है। अब रह गई बात मेटा एआई के हवाले से, जो हमने ये सारा आर्टिकल लिखा था यानी कि आर्टिकल बनाया था, एक तरह से हमारा आर्टिकल है, हम इसको किस में डाउनलोड करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, उसके अंदर हम इसको डाल लेंगे और इसको सेव कर लेंगे, दैट्स इट। और जब आपका रिसर्च वर्क का जो भी काम होगा, जो भी रिलेटेड होगा आपका टॉपिक, ठीक है, ये डिपेंड करता है आपका टॉपिक कौन सा है, जो आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड फिर आप उस पर अप्लाई करेंगे और उसके ऊपर सबमिट कर देंगे। होप दोस्तों आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए ऑनलाइन अर्निंग मेथड के साथ। सो टिल नाउ टेक केयर एंड गुड बाय।